नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ हीना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बागेश्वर में किया कुमाऊं मंडल के पहले बड़े बिजली घर का लोकार्पण। जागेश्वर मंदिर की वेबसाइट और बिलौना के रोडवेज बस अड्डे का भी किया उद्घाटन। देहरादून में इंडिया ड्रोन फेस्टिवल शुरू। सीएम ने मेरी सरकार पोर्टल और जीआईएस बेस्ड ड्रोन मैपर सॉफ्टवेयर भी किया लॉन्च। उत्तराखंड में वर्ष 2018-19 में 8,82,000 किसानों को उपलब्ध कराए गए सॉयल हेल्थ कार्ड। बागेश्वर जिले में योजना से किसानों की कृषि पैदावार और आय में हुआ इजाफा। और राज्य में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। कल से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। 21 फरवरी को देहरादून और हरिद्वार समेत मैदानी क्षेत्रों में झक्कड़ की आशंका। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज बागेश्वर जिले में 1,58,00,000,00,000 से ज्यादा की लागत वाली 44 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने 132 केवी विद्युत उप संस्थान का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये कुमाऊं मंडल का पहला बड़ा उप संस्थान है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक उप संस्थान को देहरादून से भी संचालित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा प्रशासन और एनआईसी की ओर से विकसित जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के पोर्टल का भी उद्घाटन किया। श्री रावत और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने आज बिलौना रोडवेज बस अड्डे का उद्घाटन करके दिल्ली के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। 30 करोड़ से अधिक की योजना का यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया। हमारी कोशिश है कि विकास के साथ कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विकास ये समय पर जब हम कोई शिलान्यास करते हैं, समय पर उसका संपन्न होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो भी काम हमारे आज हो रहे हैं वो समय पर शुरू होकर के और समय पर समाप्त भी हो रहे हैं। यहाँ पर आज बस अड्डे का भी लोकार्पण किया गया और साथ ही जो यहाँ पर 133 केवीए का जो यहाँ पर स्टेशन आज लोकार्पित किया गया, ये कुमाऊं का पहला अत्याधुनिक ये स्टेशन होगा। देहरादून स्थित आईटी पार्क में आज इंडिया ड्रोन फेस्टिवल आरंभ हुआ। इसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज के तकनीकी युग में ड्रोन का बहुआयामी उपयोग हो सकता है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक आपदा के वक्त ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री रावत ने कहा कि देहरादून में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ड्रोन और इससे संबंधित तकनीकी शिक्षा से युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मेरी सरकार पोर्टल का उद्घाटन और जीआईएस बेस्ड ड्रोन मैपर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे सरकार से संपर्क कर किसी भी विषय पर अपने सुझाव दे सकता है। वहीं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से तैयार सॉफ्टवेयर का उपयोग फोटो को कैप्चर करने, 3D मॉडल बनाने और डाटा विश्लेषण में किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं में से एक योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉयल हेल्थ कार्ड भी है, जो देश में आज से ही वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। उत्तराखंड में इस योजना के पहले चरण में वर्ष 2016-17 तक 7,65,000 और दूसरे चरण में वर्ष 2018-19 तक 8,82,000 किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बागेश्वर जिले में अभी तक 95,201 किसानों ने सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाए हैं। योजना से किसानों को मिट्टी के बारे में तो जानकारी दी ही जा रही है, साथ ही मिट्टी में कमी पाए जाने पर उसे दूर करने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। इससे किसानों की कृषि पैदावार और आय में बढ़ोतरी हो रही है। पहले मिट्टी की गुणवत्ता ठीक नहीं होने से किसानों को पर्याप्त मेहनत के बावजूद कम उत्पादन होने से लाभ नहीं होता था, लेकिन सॉयल हेल्थ कार्ड योजना शुरू होने के बाद से हालात काफी बदल गए हैं। मिट्टी की गुणवत्ता का पता चलने के बाद किसानों को उसी के अनुरूप फसल बोने की सलाह दी जाती है। साथ ही आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत, खाद, फसल के उचित तापमान और वर्षा के हालात आदि के बारे में भी उन्हें बताया जाता है। इससे किसान काफी खुश हैं।
मैंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना रखा है जिसे मैं समय 6 महीना साल भर में उसको उन जिन खेतों में मैंने सब्जी लगानी होती है उसके मिट्टी को मैं टेस्ट करा के मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है। जिन चीज़ों की कमियाँ होती है वो चीज़ मुझे बताया जाता है। के द्वारा जो सॉइल टेस्टिंग कराया गया तो उससे हमें एक तो खाद की बचत हुई, दूसरा जो खाद की ज़रूरत है वो खाद डालने से उपज की वृद्धि हुई और उससे आय में हमारी काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आरंभ होने के बाद जिले में न्याय पंचायत प्रभारी को प्रत्येक ब्लॉक के एक गांव से मिट्टी के नमूने लाने का काम सौंपा गया था। योजना की सफलता के बाद अब साल 2020-21 में हर ब्लॉक के 5 गांवों की मिट्टी के नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। ऑर्गेनिक कार्बन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है और जो भी कमी किसको द्वारा लाई गई मिट्टी में कमी आती है उसके आधार हम किसान को सुझाव देते हैं कि कौन सी फसल का प्रयोग इसमें किया जाए, उसी के अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करवाते हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए रहे, इसके चलते अपेक्षाकृत ठंडक में हल्की बढ़ोतरी महसूस की गई। उत्तराखंड के मौसम में तब्दीली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आई है। मौसम विभाग ने कल 20 और 21 फरवरी को राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश और 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हिमपात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। खासकर 21 फरवरी को बारिश और बर्फबारी में वृद्धि के साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों में झक्कड़ चलने की आशंका जताई गई है। विभाग ने उम्मीद जताई है कि 25 फरवरी से मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में तेजी से उछाल आ सकता है। तो 20 तारीख से मैं समझता हूँ कि जो पूरे प्रदेश में जो है जो क्लाउडिंग है वो भी बढ़ेगी और साथ साथ में जो हल्की बारिश है और बर्फबारी है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उन्हीं में होगी, बाकी जगह रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। 21 में जो इंटेंसिटी और बढ़ेगी तो आप ये कह सकते हैं जो रेन या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो लाइट से मॉडरेट तक की हो जाएगी या स्नोफॉल भी है 3000 मीटर एंड अबव में तो मॉडरेट स्नोफॉल वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और साथ में आप देखें कि जो 21 को है जो तेज हवाएं झक्कड़ जिसको आप बोलेंगे स्क्वाल बोलेंगे तो उसकी भी संभावना जो प्लेन्स का हमारे डिस्ट्रिक्ट से हरिद्वार है, देहरादून है या फिर उधम सिंह नगर, नैनीताल, इसी तरह पौड़ी का जो प्लेन्स वाला एरिया है तो कहीं कहीं पर इनमें जो है 21 तारीख को जो है आपकी तेज हवाएं देखने को मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इन दिनों हम आपको सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तराखंड के पार्टनर स्टेट कर्नाटक के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आज आपको लिए चलते हैं मुरुदेश्वर। पेश है एक रिपोर्ट। मुरुदेश्वर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक ऐसा स्थल है जो अपनी नैसर्गिक खूबसूरती और धार्मिक महत्व के कारण वर्षों से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस स्थान का धार्मिक महत्व जहां आस्थावानों को आकर्षित करता है, वहीं स्वच्छ समुद्र तट साहसिक गतिविधियों के साथ युवाओं को उनकी वीकेंड एंजॉय करने के लिए बुलाते हैं। मुरुदेश्वर भगवान शिव के उपासकों के लिए 5 पवित्र स्थानों में से एक है। मान्यता है कि जब रावण ने भगवान शिव के आत्मलिंग को बलपूर्वक उखाड़ने का प्रयास किया तो शिवलिंग टुकड़ों में बिखर गया। रावण ने आत्मलिंग को ढकने वाले वस्त्र को फेंक दिया जो मुरुदेश्वर में गिरा। मुरुदेश्वर ही बाद में मुरुदेश्वर कहलाने लगा। मुरुदेश्वर में कुंदागिरी की पहाड़ी को एक ऐसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है जिसके एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ नारियल के बागान पर्यटकों को खासे लुभाते हैं। इस पहाड़ी के शीर्ष पर लगी भगवान शिव की 123 फीट ऊंची प्रतिमा काफी दूर से ही स्पष्ट नजर आती है जो बड़े आकर्षणों में से एक है। शिव प्रतिमा यहाँ ध्यान स्वरूप है। श्रद्धालु और पर्यटक यहां आकर काफी सुकून महसूस करते हैं। तो पहले हमने गोपुरम विजिट किया, सो वी वेंट अपस्टेयर्स 18 फ्लोर्स एंड ऊपर से हमने व्यू देखा तो बहुत अच्छा था एंड टेंपल में और जो एटमॉस्फेयर है स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वो भी बहुत अच्छा लगा और यहां का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत हेल्पफुल है सब।
टेम्पल भी बहुत अच्छा है, मूर्ति बहुत बड़ी है यहाँ पे। मुरुदेश्वर में हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए तो आते ही हैं, साथ ही वाटर बाइकिंग, बोटिंग और साहसिक पर्यटन का भी लुत्फ उठाते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटक मुरुदेश्वर को एक बेहद मनोहारी पर्यटक स्थल बताते हुए अपना अनुभव साझा करते हैं। Murdeshwar is very beautiful place. The main attraction is not only a beautiful temple, but also have the beautiful beach also. यहाँ पे सिर्फ कर्नाटका में मुरुदेश्वर सिर्फ फैमिली के लिए नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए एक बेस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे बीच के लिए आप एंजॉय कर सकते हो, अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हो। इट इज़ अ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। और पूरे चार दिन में हमें किसी तरह के भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है यहाँ के लोगों का, यहाँ के क्लीनिनेस का, यहाँ के कोऑपरेशन में, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्लीनिनेस, एवरीथिंग वी रियली इंस्पायर्ड। अभी हम मुरुदेश्वर पे आया हुआ है और बहुत अच्छी जगह है। फैमिली के साथ, हम सभी फैमिली के साथ आया हुआ है। एक आध्यात्मिक की जगह है और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है और रहने का भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है। और आई रेकमेंड टू विजिट मुरुदेश्वर। देश के विविध भूभागों में उपजने वाला अन्न अपने स्वाद से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विविधता पैदा करता है। हिमालयी क्षेत्र के उत्पाद और व्यंजन मैदानी, समुद्री और मरुस्थलीय क्षेत्र के लोगों के लिए अद्भुत और अनूठे स्वाद से सराबोर होते हैं। प्रदेश के गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाले उत्पादों से बनने वाले लजीज व्यंजन चैसवाणी, भटवाणी, मूली की थिचवाणी, गहत यानी कुल्थ या काफाणा या फाणू, मंडुए की रोटी, झंगोरा की खीर देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इन लोक व्यंजनों को गृहिणियां अब स्वयं अपने हाथों से पारंपरिक तरीके से बनाकर सरकारी गेस्ट हाउसों में परोसती हैं, जिससे उनका रोजगार भी मिल रहा है। हमारे गढ़ वाले व्यंजन सारे ऑर्गेनिक चीजें हैं और हम अपने खेत से उनको खुद निकाल के ला के यहाँ पे बनाते हैं। और को सबसे पहले तो हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे रोजगार दिया। और यहाँ पे हमारे और डीएम सर हैं और ये ब्लॉक के कर्मचारी भी हैं हमारे साथ, जैसे बीडीओ सर हैं, उन्होंने सब लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया यहाँ पे। और ये गढ़वाल व्यंजनों को यहाँ पे बनाने के लिए बोला उन्होंने, ताकि बाहर के जो गेस्ट आए यहाँ पे गढ़वाली व्यंजन खाए। मैं ग्राम ग्वाड़ से छूँ, एक हमारे खीर से मबासा होम स्टे खुली हूँ। हम 8 महीने ये काम करना चाहिए और एक जो भी व्यंजन बनता घर का बन सब मूले थिंचड़ी आलू वो झोल वो क्या चैसा धपड़ी ये सब बनता। एक जो भी बाहर बैठे गेस्ट आंदा ना वो अच्छे से तारीफ कर देना कि अच्छा खाना बन रहा है। और हम लोग सब मेले मिलजुल के काम करना छा। रोजगार हम तो बहुत अच्छे मिलू छे, रोज हमारे गेस्ट आना छे। पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल का कहना है कि जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस हैं उनमें गढ़वाल के पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक व्यंजनों की मांग बढ़ने पर उत्पादन भी करना होगा, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिलेगा, साथ ही इससे रोजगार भी मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये गढ़वाले कुजीन वगैरह जो हमारे जितने भी पर्यटक आवास ग्रह हैं या फिर जो नए नए हम गेस्ट हाउसेज वगैरह बना रहे हैं, चाहे हम भाषा के रूप में जो अपना गेस्ट हाउस बनाया है हम लोगों ने, तो उसमें हम लोग गढ़वाली व्यंजनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उसके पीछे ये मंशा रहती है कि जब हम इन गढ़वाली व्यंजनों को या लोकल कुजींस को प्रमोट करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसको एक रोजगार मिलेगा और एक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने आगामी केदारनाथ यात्रा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी तैयारियां चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता को गौरीकुंड में काम कर रहे मजदूरों और यात्रियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाने को कहा है। गौरीकुंड में भीमबली के बीच प्रत्येक 300 मीटर की दूरी पर कंपोस्ट पिट तैयार करने के साथ ही यात्रियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल संस्थान के अधिकारियों को मरम्मत के निर्देश दिए हैं। विद्युत विभाग को क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत और खराब तारों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग में बिखरे कूड़े को एकत्र करने के साथ ही डीडीआरएफ के जवानों को यात्रा मार्ग में तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
घोड़े खच्चरों के लिए प्रत्येक 400 मीटर की दूरी पर पानी की चरी बनाने को कहा है। साथ ही जिला पंचायत और नगर पालिका गुप्त काशी को गौरीकुंड में सफाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं सुचारू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि जो पूरा ट्रैक रूट है उसमें 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। जहाँ पर ग्लेशियर पॉइंट्स हैं वहाँ पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और 15 से 20 फीट तक बर्फ़ भी हो सकती है। हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है और देखा है कि बिजली के पोल भी लगभग 20 से 30 पोल पूरी तरह डैमेज हुए हैं। इस वर्ष स्ट्रक्चर्स जो GMBN के स्ट्रक्चर हों चाहे जो हमारे शौचालय हैं मेडिकल पॉइंट्स हैं उनमें अधिक नुकसान नहीं है और इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 20 फरवरी से बर्फ हटाने का कार्य शुरू। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।